तो क्या गाइज आपको भी नेक्सॉन के बेस मॉडल और मैग्नाइट में कंफ्यूजन हो रहा है? आपने नेक्सॉन XM का प्लान किया था या नेक्सॉन के बेस मॉडल XE का प्लान किया था और अभी मैग्नाइट लॉन्च हो गई है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैग्नाइट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है? ये वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पूरी वीडियो देखना, पूरा डिटेल में कंपेयर करूंगा मैं, एक एक चीज को कंपेयर करूंगा, एंड में आपको मालूम चल जाएगा कि मैग्नाइट एक्चुअल में आपके लिए बेहतर है या कि फिर नेक्सॉन ही खरीदना आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे इस वीडियो में हम केवल मैग्नाइट के टर्बो वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि टर्बो वेरिएंट्स जो हैं इसके वही नेक्सॉन को कम्पीट कर रहे हैं। अगर इसका आप नेचुरली स्प्रेड है, जो कि सस्ती वाली मैग्नाइट है 4.99 लाख, इसकी 72 पीएस की पावर है, वो तो नेक्सॉन के कंपटीशन में ही नहीं है, तो उसको अपन कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कंपैरिजन में हम केवल मैग्नाइट के टर्बो वेरिएंट, जो कि एक्सएल टर्बो या एक्सवी टर्बो या एक्सवी प्रीमियम टर्बो, उनको कंपेयर करेंगे नेक्सॉन के बेस मॉडल से। अगर इस आपको बता दूं, यहां पे हम केवल नेक्सॉन के XE और XM मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो इसके ऊपर वाले XZ या XZ प्लस मॉडल है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट बोलूंगा, अगर आप नेक्सॉन का XZ प्लस लेने वाले थे, आंख बंद करो, बिल्कुल आप जाके ले लो, मैग्नाइट को आप ऑप्शन में मत रखो, क्योंकि मैग्नाइट में ओवरऑल XZ को कम्पीट करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे तो एक मैं वीडियो बना दूंगा मैग्नाइट के टॉप एंड वेरिएंट्स को नेक्सॉन के टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करके, बट इस वीडियो में हम केवल बेस वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ओके, पहले अपन दोनों ही कार्स की प्राइसिंग को चेकआउट कर लेते हैं। तो प्राइस की लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट है। तो निसान मैग्नाइट का जो टर्बो XL, यानी कि टर्बो का जो बेस वेरिएंट है XL, उसकी एक्सशोरूम प्राइस है 6.99 लाख। टर्बो XV की प्राइस है 7.68 लाख। टर्बो XV प्रीमियम की प्राइस है 8.48 लाख, ठीक है। नेक्सॉन की बेस मॉडल XE की प्राइस है 7 लाख एक्सशोरूम। XM की प्राइस है 7.85 लाख एक्सशोरूम। उससे ऊपर देखो सारे वेरियंट्स हैं, XMS जो कि सनरूफ वाला है, XMA, सबकी प्राइस यहाँ पे लिस्टेड है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। निसान मैग्नाइट का जो CVT आता है, अगर आप XL में CVT लेना चाह रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा 7.89 लाख, मतलब 90,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे मैनुअल वेरिएंट्स पे। यहीं पे अगर आप टाटा नेक्सॉन का ऑटोमेटिक लेना चाह रहे थे, जैसे अगर आप XM मैनुअल की प्राइस देखते हो तो 7.85 लाख है, XMA यानी कि ऑटोमेटिक को देखते हो तो 8.45 लाख है, 60,000 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर आप टाटा नेक्सॉन का सेम वेरिएंट में ऑटोमेटिक लोगे तो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, निसान मैग्नाइट में अगर आप CVT लोगे सेम वेरिएंट में तो 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि 90,000 रुपये CVT के लिए जस्टिफाई है और यहाँ पे 60,000 रुपये ऑटोमेटिक के लिए जस्टिफाई है। तो यहाँ पे वीडियो जैसे खत्म होगी तो आप डिसाइड कर लेना कि आप AMT लोगे या CVT लोगे। तो प्राइसिंग आपने देख ली, अब अपन प्राइसिंग को करते हैं कंपेयर। तो निसान का जो बेस मॉडल है टर्बो में XL, उसकी प्राइस है 6.99 लाख। टाटा नेक्सॉन का जो XE बेस मॉडल है, उसकी प्राइस है 7 लाख, मतलब नेक्सॉन की एक्सशोरूम प्राइस मैग्नाइट की एक्सशोरूम प्राइस से 1,000 रुपये ज़्यादा है। यह आपने देख लिया। फीचर्स को भी अपन आगे कंपेयर करेंगे, क्योंकि प्राइस को देख के ही हम फीचर्स को कंपेयर करते हुए जज कर पाएंगे कौन सा बेहतर पैकेज है, कौन सा नहीं है। इससे ऊपर वाले वेरियंट्स को देखते हैं अपन। अगर निसान मैग्नाइट का XV टर्बो देखते हैं, उसकी एक्सशोरूम प्राइस है 7.68 लाख। नेक्सॉन का XM वेरिएंट है, उसकी प्राइस है 7.85 लाख। यहाँ पे नेक्सॉन का XM वेरिएंट 17,000 रुपये महंगा है टर्बो XV मैग्नाइट से। ये आपने देख लिया, जहाँ पे टर्बो XV में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, वो 17,000 रुपये सस्ता है टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट से। फीचर्स अभी अपन आगे देखेंगे। आपने प्राइस में डिफरेंस देख लिया, अब आप इस प्राइस के डिफरेंस को रिमाइंड करके रखना। ओपन करते हैं फीचर्स को कंपेयर। पहले डायमेंशन देख लो। तो डायमेंशन में बात करें तो मैग्नाइट की जो लेंथ है वो 3994 mm है, नेक्सॉन की लेंथ है 3993 mm, नेक्सॉन की लेंथ 1 mm से कम है। विड्थ की बात करें तो 1758 mm मैग्नाइट की और नेक्सॉन की 1811 mm, तो यहाँ पे 53 mm विड्थ नेक्सॉन की ज़्यादा है। हाइट मैग्नाइट में 1572 mm है, नेक्सॉन में 1616 mm है, तो यहाँ पे हाइट नेक्सॉन की 34 mm ज़्यादा है। व्हील बेस 2500 mm मैग्नाइट का है, 2498 mm नेक्सॉन का है, तो 2 mm नेक्सॉन की व्हील बेस कम है। डायमेंशन में नेक्सॉन थोड़ी सी आपको बड़ी लग सकती है, लेंथ हालांकि मैग्नाइट की थोड़ी सी ज़्यादा है 1 mm, जो कि आपको मालूम भी नहीं चलेगा। बूट स्पेस आप देखो तो मैग्नाइट में 336 लीटर का बूट स्पेस है, नेक्सॉन में 350 लीटर का बूट स्पेस है।
निसान में 40 लीटर का टैंक कैपेसिटी है जबकि नेक्सॉन में 44 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। टायर साइज आप देखो दोनों में सिमिलर टायर साइज है, मतलब 16 इंच के दोनों में ही व्हील मिलते हैं। और ये बेस मॉडल के यहाँ पे अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो जो बेस मॉडल है दोनों में ही 16 इंच के व्हील मिलते हैं, बट मैग्नाइट का जो टर्बो का बेस मॉडल है एक्सल, उसमें कैप भी मिलती है स्टील व्हील के साथ, लेकिन नेक्सॉन का जो एक्सी मॉडल है उसमें विदाउट कैप मिलता है। ये आपने देख लिया। अभी अपन देखते हैं कि फीचर्स में क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो नाइट का जो टर्बो एक्सेल है उसमें ऑलमोस्ट सारे कन्वीनियंट वाले फीचर्स मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है एक्सी उसमें सारे फीचर्स मिसिंग है। अभी आप देखना लिस्ट में, बट प्राइस में यहाँ पे आप देखो नेक्सॉन की प्राइस 1000 रुपये ज़्यादा ही है एक्स शोरूम मैग्नाइट की जगह पे। इंजन पहले चेकआउट करते हैं, तो एक्सएल टर्बो में आपको 1 लीटर का टर्बो चार इंजन मिलता है जो कि मैक्स पावर देता है 98 PS की, मैक्स टॉर्क देता है 160 Nm का, 3 सिलेंडर का इंजन है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन पे काम करता है। नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन टर्बो इंजन मिलता है जो कि 118 PS की पावर देता है, 170 Nm का टॉर्क देता है, 3 सिलेंडर इंजन ये भी है, लेकिन ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन पे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखो परफॉर्मेंस वाइज या इंजन वाइज नेक्सॉन बेहतर है, उसकी पावर लगभग 20 PS ज़्यादा है मैग्नाइट के कंपैरिजन में। अब ये जो पावर का डिफरेंस है, ये आप पेट्रोल में अगर आप नेक्सॉन कोई भी वेरिएंट खरीदते हो तो सेम डिफरेंस रहने वाला है। आप मैग्नाइट का कोई भी पेट्रोल वेरिएंट खरीदो वो हमेशा नेक्सॉन के टर्म्स में इंजन में पीछे ही है, और इसमें आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है जबकि मैग्नाइट में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। और वेट का, हाँ यहाँ पे डायमेंशन में वेट भी आप देख लो, तो 1014 kg का कर्व वेट है मैग्नाइट का, 1252 kg का कर्व वेट है नेक्सॉन का, तो नेक्सॉन का वेट भी ज़्यादा है और एक्चुअल में वो आपको फील होगा, बॉडी आपको हैवी फील होती है नेक्सॉन की। फीचर्स अभी आप देखो, पहले आप मैग्नाइट के एक्सेल के फीचर देख लो, तो इसमें आपको डिजिटल कंसोल मिलता है, रूफ रेल्स मिलती है, 6 स्पीकर, 2 ट्विटर और म्यूजिक प्लेयर मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती है, रियर आर्मरेस्ट मिलता है, चारों पावर विंडो मिलते हैं। ठीक है, अभी नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है जो कि इससे 1000 रुपये महंगा है उसको देख लेते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता बेसिक फीचर्स। इसमें आपको बस क्या मिलता है जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, पहला तो ये कि इसमें भी आपको डिजिटल कंसोल मिलता है, और यहाँ पे आपको बताऊँ नेक्सॉन का डिजिटल कंसोल ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी प्रीमियम फील कराता है, जबकि मैग्नाइट का जो कंसोल है वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे, फंकी जैसा अजीब सा डिज़ाइन कर दिया। नेक्सॉन में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, DRLs भी मिलते हैं बेस मॉडल में ही, बाकी इंडिकेटर ORVMs में नेक्सॉन के एक्सी में भी मिलते हैं और मैग्नाइट के एक्सल में भी मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जो फीचर्स आपको नेक्सॉन के बेस में नहीं मिलते लेकिन मैग्नाइट के एक्सल में मिलते हैं वो ये हैं कि नेक्सॉन में आपको ना तो सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, ना ही म्यूजिक प्लेयर मिलता है, और फ्रंट में केवल पावर विंडो है जबकि मैग्नाइट में चारों पावर विंडो थे, और कोई स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी, मतलब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी नहीं मिलते। एक्स्ट्रा है नेक्सॉन में कि आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं बेस मॉडल में ही, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, सिटी, इको, स्पोर्ट्स, ये 3 मोड मिलते हैं, और सनग्लास होल्डर आपको नेक्सॉन में देखने को मिलता है। अभी सेफ्टी फीचर्स को भी देखते हैं, तो निसान मैग्नाइट के एक्सेल मॉडल में आपको हील असिस्ट मिलता है, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मिलता है, डुअल एयरबैग मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, ESP, TCS ये सब मिलता है। और हाँ आपको बताऊँ मैग्नाइट का जो एक्सेल है ना उसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिलती है, लेकिन आपको नेक्सॉन में, नेक्सॉन का जो बेस है उसमें मैनुअल AC मिलती है, तो एक और मेजर डिफरेंस यहाँ पे निकल गया। लेकिन यहीं पे जो अपना नेक्सॉन है उसमें सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स या ब्रेक असिस्ट ये तो मिलते हैं, बट आपका जो इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक ये सब मिसिंग है। बट गाइस आपको बताऊँ सेफ्टी में हम सबको पता है नेक्सॉन कितनी सेफ कार है, तो सेफ्टी में भले ही फीचर्स थोड़े से मैग्नाइट में ज़्यादा हो बट नेक्सॉन ने 5 स्टार स्कोर किया है ग्लोबल एंड कैप में, तो सेफ्टी में नेक्सॉन के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे नेक्सॉन सेफ है, बट फीचर्स के टर्म्स में मैग्नाइट में भी कोशिश करी गई है कि इसको सेफ बनाया जाए। तो गाइज ये आपने देख लिया कि नेक्सॉन के बेस मॉडल में कौन कौन से फीचर्स नहीं मिलते जो कि मैग्नाइट के टर्बो के बेस मॉडल में मिलते हैं, और जो कि प्राइस भी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1000 रुपये का डिफरेंस, एक्सशोरूम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ पे एक दूसरा केस लेते हैं कि मैग्नाइट के एक ऊपर वाले वेरियंट की तरफ जाते हैं जो कि है XV, उसको कंपेयर करते हैं नेक्सॉन के एक ऊपर वाले वेरियंट XM से। तो यहाँ पे अगर आप मैग्नाइट में एक ऊपर वेरियंट जाते हो XV, उसमें सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है, पहले तो जो ये फीचर्स XL में मिलते थे वो सारे तो मिलते ही हैं, इसके अलावा इसमें आपको LED फॉग लैंप, कैमरा, 8 इंच का
इंफोटेनमेंट, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, एलईडी डीआरएल, 16 इंच के मशीन कट व्हील और बहुत सारे क्रोम्स, आपको क्रोम के ट्रीटमेंट भी देखने को मिलते हैं। और यहीं पे अगर आप इसमें 40,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाते हो तो आप एक टेक पैक ले सकते हो जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर, पडल लैम्प, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। और ये नेक्सॉन के XM मॉडल से 17,000 रुपये सस्ता है, लेकिन फीचर्स के टर्म्स में ये टॉप मॉडल वाले फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है, मशीन का टेलर व्हील है जो कि प्रीमियम फीचर है, टॉप एंड मॉडल्स में आपको किसी भी कार्स में देखने को मिलते हैं। तो हाँ, ये सारे फीचर्स हो गए। अब अपन नेक्सॉन के XM मॉडल को देखते हैं। यहाँ पे जो XE वेरिएंट में फीचर थे वो सारे तो हैं ही, एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि इसमें आपको रिमोट की मिलती है, सेंट्रल लॉकिंग मिलता है, म्यूजिक प्लेयर ऐड हो जाता है 4 स्पीकर के साथ, ट्विटर भी मिलते हैं, और व्हील में कैप ऐड हो जाते हैं, ऑटो फोल्डिंग ORBMs मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, ये फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं XM मॉडल में। और हाँ, लेकिन गाइज आपको यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो नेक्सॉन है उसके अंदर की पूरी फिनिश आप देखो बहुत ही सॉलिड है, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, तो जो पार्ट्स हैं या जो क्वालिटी है उनकी मैग्नाइट से डेफिनेटली बेहतर फील हो रही है मुझे। तो ये आपने देख लिया, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि आप नेक्सॉन का अगर XM ले रहे थे उसी प्राइस में, या इनफैक्ट उससे 17,000 रुपये कम में आपको निसान मैग्नाइट का XV टर्बो मिलता है, जो और फीचर्स सारे मिलेंगे, इंफोटेनमेंट में टच स्क्रीन मिलेगा, अलॉय व्हील्स मिलेंगे, मशीन कट वाले और सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि अभी यहाँ पे लिस्टेड थे आपने वीडियो में देखे। गाइस अभी आप बताओ कि कौन सा वेरियंट या कौन सी कार आपके लिए बेहतर है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे बोलूंगा कि नेक्सॉन का जो XM है, जो कि मुझे लगता है कि टाटा बहुत सारे लोगों को पसंद है क्योंकि सेफ कार है, तो ऑब्वियस सी बात है बाय करने के लिए एक पॉइंट बहुत अच्छा तगड़ा इनके पास पॉइंट है, तो XM लिया जा सकता है क्योंकि XM में जो हमें डेली राइड में, डेली ड्राइव में फीचर्स चाहिए वो है इसमें, म्यूजिक प्लेयर ले लो चाहे वो, चाहे सेंट्रल लॉकिंग ले लो, ये सब है। लेकिन यहीं पे अगर आप नेक्सॉन का XE लेने वाले थे बेस मॉडल, तो यार इससे अच्छा है कि आप मैग्नाइट का XL यानी कि टर्बो का बेस मॉडल ले लो जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको लगता है कि भाई आपका बजट इतना ही है, तो एक बार आप निसान की मैग्नाइट को देखो, उसमें आपको अच्छा वाला वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें सब कुछ मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, मतलब जो आपको बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा डेली ड्राइव में या डेली ऑफिस जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा बता दो कमेंट बॉक्स में। सी यू सून।